रेप्टिलिया के बारे में। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्लास रेप्टिलिया। देखिए रेप्टिलिया का मतलब क्या होता है पहले वो जान लेते हैं, ये वर्ड कहाँ से आया है। तो बेटा लैटिन लैंग्वेज में रेप्री या रेप्टम का मतलब होता है क्रीप करना या क्रॉल करना या क्रॉल करना। तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म या वो एनिमल्स जो रेंग के चलते हों, जो क्रॉल करते हों, वो सब रेप्टाइल कहलाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पे यही लिख दे रहा हूँ कि इनके पास में बेटा क्रीपिंग या क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन होता है, मोड ऑफ लोकोमोशन होगा। ठीक है जी बेटा। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि इन सब के पास में बेटा आपको दो पेयर लिम्ब मिलेंगे, दे हैव टू पेयर ऑफ लिम्ब्स एक्सेप्ट स्नेक। आपको सांपों के अंदर, स्नेक्स के अंदर लिम्ब्स नहीं मिलते, वहां पे जो है लिम्ब्स एब्सेंट होते हैं। बेटा इनकी बॉडी को कवर करने के लिए, या आप कह सकते हो कि बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई केली, कॉर्निफाइड स्किन, या आप कह सकते हो कि एपिडर्मल, केल या क्यूट्स इनकी बॉडी को कवर करते हैं। रफ सी इनकी स्किन होगी, ड्राई होगी, केली स्किन इनकी। तो बेटा इनके ईयर को रिप्रेजेंट करते हैं टिम्पेनम, ईयर्स रिप्रेजेंटेड बाई, आप ऐसे कह सकते हो, इसको कह दीजिए आप टिम्पेनम, रिप्रेजेंट ईयर्स। इनके पास में ईयर्स नहीं होंगे और आप कह दीजिएगा कि एक्सटर्नल पिन्ना यहाँ पे एब्सेंट होता है। ठीक है, एक्सटर्नल पिन्ना इनके अंदर एब्सेंट होगा, टिम्पेनम इनके ईयर को रिप्रेजेंट करता है। और बेटा इनमें से ज़्यादातर ये जो रेप्टाइल्स हैं ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ एक्वेटिक नहीं होंगे। जैसे आप क्रोकोडाइल हैं, एलिगेटर्स हैं, ये आपको एक्वेटिक भी मिल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये टेरेस्ट्रियल होते हैं। दूसरी बात ये है बेटा कि जो स्नेक्स हैं उनके पास ये टिम्पेनम भी एब्सेंट होता है, उनके मेम्ब्रेन जो होती है साइड में हेड के वो सेंस करती है वाइब्रेशंस को। तो टिम्पेनम उनके पास नहीं होगा, वो सुन नहीं सकते, वो केवल वाइब्रेशंस को सेंस कर सकते हैं और हिसाब से वो एक्ट करेंगे। ठीक है, और आपको याद ये रखना होगा कि कुछ स्नेक्स और लिजर्ड्स बेटा अपने स्केल को शेड कर देती हैं, शेड करती हैं स्केल्स को। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं स्किन कास्ट करना, स्किन कास्ट करना। इनकी क्या होता है, पुरानी स्किन जो पुरानी हो जाती है वो शेड हो जाती है, उसमें से ये बाहर आ जाते हैं और नई स्किन इनकी डेवलप हो जाती है। उसी चीज़ को जिसमें पुरानी कवरिंग में से बाहर आ जाते हैं और जो कवर बच जाता है उसे स्किन कास्ट कहते हैं बेटा, उसे हम स्किन कास्ट कहते हैं। ठीक है जी। अब बेटा आपको एक बात और याद रखनी होगी कि इनमें जो स्नेक्स हैं या मॉनिटर लिजर्ड्स हैं, इनके माउथ में ऊपर की तरफ एक ऑर्गन होता है या पार्ट होता है जिसे जेकबसन ऑर्गन कहते हैं, जिसकी मदद से ये स्मेल कर पाते हैं या सेंस कर पाते हैं किसी। तो अपने आपने देखा होगा स्नेक ऊपर की तरफ जीभ निकाल के, टंग निकाल के कुछ सेंस करने की कोशिश करता है। तो वो क्या होता है, कोई प्रे है, उसकी स्मेल है या उन मॉलिक्यूल्स को वो सेंस करता है उस जेकबसन ऑर्गन की मदद से जो उनके माउथ में लगा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे
यहाँ पे अगला पॉइंट ये है कि ये सब के सब बेटा आपको इनका जो हर्ट है वो थ्री चैम्बर्ड मिलेगा, थ्री चैम्बर्ड मिलेगा, जिसमें आपको दो ऑरिकल और एक वेंट्रिकल मिलता है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, इसमें एक्सेप्शन है बेटा क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल्स इनका हर्ट आपको फोर चैम्बर्ड मिलता है, इनके पास में फोर चैम्बर्ड हार्ट आपको मिलेगा बेटा, इनके पास में चार चैम्बर्ड का हर्ट मिलता है जिसमें दो एट्रियम और दो वेंट्रिकल होते हैं। ये सब के सब बेटा कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ये सब कोल्ड ब्लडेड होते हैं, या आप कह सकते हैं पोइकिलोथर्म है, ये कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते, ठीक है। इनके रिप्रोडक्शन की बात करी जाए तो बेटा ये इनके सेपरेट सेक्सेस होंगे, ठीक है, सेपरेट सेक्सेस होते हैं, ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन करेंगे, ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं, और बेटा इनके अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, और ये सब ओवीपेरस होंगे, ये सब ओवीपेरस होते हैं, ठीक है, ओवीपेरस होते हैं। अब बात कर ले इनके एग्जांपल्स की, कि एग्जांपल्स कौन कौन से पढ़ने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जांपल है बेटा शेलॉन, टर्टल्स को हम लोग शेलॉन कहते हैं, ठीक है। टेस्टुडा बेटा टॉर्टॉइज को, टॉर्टॉइज को हम टेस्टुडा कहते हैं। नेक्स्ट है बेटा हेमी डेक्टाइलस, हेमी डेक्टाइलस बेटा हम इसे वॉल लिजर्ड को हम हेमी डेक्टाइलस कहते हैं। उसके अलावा, उसके अलावा बेटा इसमें कुछ स्नेक्स हैं जो पॉइजनस स्नेक हैं, जिनके नाम आपको याद रखने हैं, जैसे जैसे नाजा, नाजा कोबरा को कहते हैं हम नाजा, ठीक है। दूसरा बेटा वाइपेरा, वाइपर को कहा जाता है। एक है बेटा बैंगरस, बैंगरस क्रेट नाम का एक स्नेक है, उसे बैंगरस कहा जाता है, क्रेट के आर ए आई टी, क्रेट को हम लोग बेटा बैंगरस कहते हैं। चलॉन, टर्टल, टेस्टुडा, टॉर्टॉइज, हेमी डेक्टाइलस, वॉल लिजर्ड, और एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, एक है बेटा कैमेलियन, बेटा ये होती है हमारी ट्री लिजर्ड, ये होती है ट्री लिजर्ड। एक है बेटा कैलॉट्स, कैलॉट्स होती है गार्डन लिजर्ड, गार्डन लिजर्ड बेटा। एक है एग्जांपल एलिगेटर, एलिगेटर के लिए नाम कोई दिया नहीं गया, ये एलिगेटर ही आपको याद रखना है, ठीक है, एलिगेटर। एक है बेटा क्रोकोडाइलस, ये क्रोकोडाइल्स के लिए नाम यूज किया जाता है। तो ये नाम्स हैं, नाम है बेटा शेलॉन, टर्टल, टेस्टुडा, टॉर्टॉइज, हेमीडेक्टाइलस, वॉल लिजर्ड, कैमेलियन, ट्री लिजर्ड, और कैलॉट्स गार्डन लिजर्ड, एलिगेटर एलिगेटर ही है, क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइलस क्रोकोडाइल, पॉइजनस स्नेक में नाजा कोबरा, वाइपरा वाइपर, बैंगरस क्रेट, ठीक है। तो ये आपको पाँच, तो सात और तीन दस, दस एग्जांपल्स हैं जो आपको रेप्टाइल्स के अंदर याद करने होंगे बेटा।